हेलो एवरीवन सो मीनिंग अगर सीखना है तो उसमें से वन वर्ड भी एक कैटेगरी होता है जो आपको आना चाहिए आप uh, एक सेंटेंस बोलते हैं और उसमें अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता होता तो हमें कई बार घुमा के बोलना होता है यू you नो know? तो इससे अच्छा है कि उसके लिए एक शब्द का आप इस्तेमाल कर देंगे तो बहुत फायदेमंद है चलेगा uh, पांच वर्ड्स में आपके लिए लाया हूं ये वन वर्ड सब्सटी का सीरीज है एपिसोड वन है बहुत फायदा पहुंचेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो यहां जो पहला वर्ड है दोस्तों इसको हम कहते हैं क्वैक अब क्वैक ये एक तो बत्तक वाला साउंड भी क्वैक होता है बट यहां क्वैक का मतलब है जो कहते हैं ना जो झोला छाप डॉक्टर कई बार आपने बोला होगा ये तो झोला छाप डॉक्टर है तो कभी अगर आपको ऐसा बोलना है तो अब आपको इसका इसका वर्ड ही नहीं पता कि झोला छाप डॉक्टर को हम क्या कहेंगे अब आप फंस जाओगे तो आप सीधा बोलो कि क्वैक ये नाउन है तो आप आराम से कह सकते हो कि He is a quack. अंग्रेजों के हिसाब से अगर देखें तो क्वैक का क्या मतलब होता है कि इफ यू कॉल क्वैक डॉक्टर भी कह सकते यू मीन आपका मतलब है वो ऐसा दावा तो करते हैं कि वो मेडिसिन में बड़े अच्छे हैं वो सब कुछ जानते हैं लेकिन वो नहीं है

तो ये क्वैक आपके समझ में आ गया है मुझे लगता है कि अब आप, आप भूलेंगे नहीं क्वैक चलिए दूसरा जो है बहुत प्यारा है है इसको बोलते रिंग 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 लीडर लीडर रिंग लीडर एक नाउन का मतलब अगर हिंदी में आपने देखा या लिखा हुआ सरदार यानी कि किसी गैंग का सरदार बहुत सारे गुंडे होते हैं उन गुंडों का एक सरदार होता है नो एक हेड होता है वो जो हेड है उसको हम कहते हैं रिंग लीडर यानी कि अ पर्सन हु लीड्स Others in crime, crime में जो दूसरों को लीड करे इन कॉजिंग ट्रबल करने में जो दूसरों को लीड करे जो उसका सरदार हो अपराधियों या शरारतीयों के गुट का नेता मान लीजिए बहुत सारे ऑबनोक्शियस बॉयज है बहुत सारे बेकार बच्चों की बच्चों का एक ग्रुप है उसका जो मेन होगा क्या हो कहलाएगा रिंग लीडर कहलाएगा तो एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि द रिंग लीडर हैज बिन अरेस्टेड

अब रेमोनेरेशन का मतलब होता है मेहनताना कई बार कहते हैं ना यार मेरी तो मज़दूरी मुझे नहीं मिली मेरा तो मेहनताना नहीं मिला हालांकि आप वेजेस कह सकते हैं इसके लिए बट ये इतना फॉर्मल वर्ड है कि आप जब बोलेंगे तो अच्छा सा लगेगा साउंड करेगा कि वाह यार कोई पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है यू नो वो नहीं मिला यार मेरे घर को पेंट करने के लिए पेंटर आया और उसका जो रेमोनेरेशन था वो बहुत हाई था तो मैं बार्गेन करने लगा तो रेमोनीरेशन का मतलब है वो मेहनताना यानी कि समवंस रेमोनेरेशन ज द अमाउंट ऑफ मनी वो पैसा है दैट दे आर पेड जो उनको हम पे करते हैं फॉर द वर्क दैट दे डू जो काम करते हैं उसके लिए जो हम पे करते हैं उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं रेमोनेरेशन कहते हैं यू हैवन गिवन हिम रेमोनेरेशन फॉर हिज वर्क आपने उसके काम के लिए उसको रेमोनेरेशन नहीं दिया यानी कि मेहनताना नहीं दिया मैंने काम किया मुझे मेहनताना नहीं मिला आई वर्क बट आई डिडेंट गेट एनी रेमोनेरेशन करेक्ट चलिए अगला जो इसको बोलते हैं प्रॉडिकल प्रॉडिकल एक एडजेक्टिव है गाइस प्रॉडिकल का मतलब है खर्चीला समवन हु स्पेंड्स टू मच मनी या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है हम उसे बोलेंगे प्रॉडिकल हम उसके आगे पर्सन लगा सकते हैं ही इज अ प्रॉडिकल पर्सन यू नो दैट पर्सन इज प्रॉडिकल यार वो व्यक्ति तो प्रॉडिकल है खर्चीला है बहुत ज्यादा खर्चे करता है

या इट इज ए प्रोडिकल पार्टी एक पार्टी है समझ में आ रहा है ये वन वर्ड बहुत प्यारा होता है आप किसी को प्रोटिकल बोलेंगे कितना अच्छा लगेगा कि वाह यार कुछ एडवांस कह रहा है लास्ट जो वर्ड है दोस्तों इसको हम कहते हैं पॉपर 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 बहुत ही पुराना एक वर्ड है मैंने ये बता दिया आपको कि कई बार पता भी होना चाहिए पॉपर का मतलब होता है कहते हैं ना दरिद्र है, है बंदा कंगाल है हिंदी में आपने जरूर बोला होगा दरिद्र कंगाल तो उस कंगाल को इसके पास कुछ नहीं है अब वो बंदा है पॉपर अ वेरी पुअर पर्सन बहुत ज्यादा जो गरीब व्यक्ति है उसको हम पॉपर कहते हैं ही इज अ पॉपर चूंकि नाउन है तो आप और लगा सकते पार्क सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा गाइस फिर से मैं दोहरा दू कि क्वैक झोला अच्छा डॉक्टर को क्या बोलेंगे क्वैक रिंग लीडर का मतलब क्या होता है जो उस सरगना का क्या बोलते हैं सरगना गिरोह का जो सरदार है वो रिंग लीडर है रेमुनरेशन का मतलब मेहनत आना मुझे मेरा रेमुनरेशन दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज प्रॉडिकल खर्चीला आई एम नॉट प्रोडिकल ओके पॉपर पॉपर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गरीब है कंगाल है यू नो दैट पर्सन इज पॉपर वो कंगाल है तो बस दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ठीक है ले लीजिए आई होप ठीक है ऐसे ले लीजिए ले लीजिए गैस फाइन तो मिलते हैं अगले वीडियो में गैस बताइएगा कि कैसा लगा अगर आप चाहेंगे तो ये मैं रोज भी ला सकता हूँ ये सब आपके ऊपर है तो मैं रोज भी ला सकता हूँ वन वर्ड ऑफ मुझे लगता है कि वर्ड्स मीनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों बहुत जरूरी है चलिए थैंक यू वेरी मच सी यूनिफ थैंक यू गैस